वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ग्राफर। सो गाइस, iOS 18 का बीटा 3 का जो गाइस अपडेट है वो मैं पिछले दो दिन से यूज कर रहा हूँ एंड आज के जरूर में मैं आपको इसी बीटा 3 के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना। तो इस बीटा 3 में बहुत सारे इंप्रूवमेंट जो है वो मुझे देखने को मिले एज कम्पेयर विद बीटा 2। पहला जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है दैट इज रिगार्डिंग टू द बैटरी। तो सबसे पहले मैं बैटरी दिखाता हूँ, बैटरी हेल्थ में अगर दिखाता हूँ तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि स्टिल अभी भी मेरे i15 प्लस में बैटरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो अभी भी 100% है और साइकिल काउंट है 214। एंड मैं अगर बात करूँ स्क्रीन ऑन टाइम में तो इसमें मुझे बहुत सारे पे इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिले। और एक चीज़ जो ओवर द नाइट जो बैटरी ड्रेन होता था उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर सॉल्व किया गया है विद दिस बीटा 3 अपडेट। एंड स्क्रीन ऑन टाइम में मैं अगर एवरेज बताऊँ तो गाइस देख सकते हो कि लास्ट चार्ज जो है अप टू 73% था एंड वो सुबह के यहाँ पर 9 बजे के आसपास था एंड अभी जो चार्ज है दैट इज़ 39% और शाम को यहाँ पर ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके। ऑन एन एवरेज यहाँ पर मुझे अभी तक मैं अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 घंटे का अराउंड जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मुझे मिला है। एंड अगर विद इन 80% में अगर आपको बताऊँ तो मुझे कहीं यहाँ पर 6 से 7 घंटे पर 7.5 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मुझे मिल रहा है। एंड यहाँ पर एज ए सेट ये 80% तक है, अगर आप यहाँ पर एक्सटेंड करोगे 100% तक तो हो सकता है कि आपको बैटरी जो है वो यहाँ पर 8 घंटे तक भी मिल सकता है। ऑल दो बैटरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने आईफोन को कैसे यूज़ करते हो, लेकिन मैंने जो यहाँ पर नोटिस किया है कि पिछले दो दिन से कि iOS 18 का बीटा 3 ये जो अपडेट है बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। नेक्स्ट पॉजिटिव बीटा 3 के बारे में ये है कि परफॉर्मेंस जो है बीटा 2 के तुलना में बहुत ज़्यादा और अच्छा हो गया है, जैसे कि स्मूथनेस हो गया, फिर जो एप्लीकेशन जैसे ओपन हो गया, क्लोजिंग हो गया, नॉर्मल जो आप यहाँ पर एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो चुका है। एंड खास साथ में यहाँ पर मैं गीगवेंस 6 का स्कोर दिखाऊँ तो उसमें भी जो इंप्रूवमेंट है मुझे देखने को मिला है, जैसे कि जो बेंचमार्क है सीपीयू का वो एक बार देखो तो मैंने यहाँ पर आज यहाँ पर रन किया 11 जुलाई को तो सिंगल स्कोर और जो मल्टी स्कोर का वैल्यू है वो है एज सिमिलर है विद द फर्स्ट बीटा अपडेट ऑफ iOS 18। आपको पता है कि बीटा 2 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वैल्यूज़ जो है गेमिंग 6 का वो यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो बीटा 2 का अपडेट था उसकी वजह से सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर वैल्यू कितने ज़्यादा यहाँ पर कम था एज कम्पेयर टू द बीटा 3। तो बीटा 3 सिर्फ यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल जो डेटा टाइप्स जो आप यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसी में नहीं, लेकिन गेमिंग 6 में भी स्कोर में भी यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट मैं अगर जीपीयू का बात करूं तो जीपीयू भी यहां पर जो है पहला का जो बीटा 1 का अपडेट था वो यहां पर कहीं सिमिलर गया है, या फिर सिमिलर तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो बोथ यहां पर जीपीयू और जो सीपीयू का जो यहां पर स्कोर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड बीटा 3 अभी तक मैं जितना भी देखा हूं कि नॉर्मल जो जटननेस होता है फिर जो लैगी था जो मुझे बीटा 2 के साथ देखने को मिल रहा था वो चीज जो है यहां पर सॉल्व किया गया है। थर्ड चीज नोटिफिकेशन एरर या फिर नोटिफिकेशन बग्स, नोटिफिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा बग्स जो है मेरे i15 प्लस में देखने को मिल रहा था जब मैं बीटा 2 का जो अपडेट था उसको मैं यूज कर रहा था, लेकिन अभी इस चीज को जो सॉल्व किया गया है। और सिर्फ नोटिफिकेशन बग्स ही नहीं, सबसे जो मेजर बग्स था iOS 18 बीटा 2 में, जैसे कि अगर आप यहाँ पर टैप एंड होल्ड करके होम स्क्रीन में कस्टमाइज में जाते थे एंड कोई भी आइकन का जो यहाँ पर या फिर कोई भी एप्लीकेशन जब आइकन आप चेंज करते थे तो उस दौरान क्या होता था कोई एप्लीकेशन का आइकन वो है गायब हो जाता था। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस चीज को जो है इस बीटा 3 का अपडेट में सॉल्व किया गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं अगर फिर से टैप एंड होल्ड करता हूँ, कस्टमाइज पर जाता हूँ एंड सपोज मुझे डार्क करना है तो यहाँ पर देख सकते तुरंत यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो डार्क मोड में हो जाते हैं एंड बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है ये। और जो बग्स था जो यहाँ पर आइकन जो चला जा रहा था वो जिसको भी यहाँ पर सॉल्व किया है विद द अपडेट ऑफ बीटा 3। और आप बात करते हैं नए फीचर्स क्या मिला है बीटा 3 के साथ, तो लुक गाइस बीटा 2 के कंपेरिजन में बीटा 3 का जो अपडेट है इसमें नए फीचर्स तो ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन जितने भी इशूज थे जैसे कि बैटरी का, परफॉर्मेंस का, खासतौर पर यहाँ पर जो आइकन जो चला जा रहा था कोई भी एप्लीकेशन का वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व किया गया है। लेकिन कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जाओगे अपना कंट्रोल सेंटर में तो कंट्रोल सेंटर में अभी आप यहाँ पर सपोज कोई भी ब्लूटूथ अगर आप कौन है तो जो भी जितने भी डिवाइस है उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए आपके यहाँ पर एक एरो का जो यहाँ पर है वो दिया गया है। साथ में गैलरी में फोटो को जो है आप और भी ज़्यादा इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो सर्च बार है उसका भी कलर जो है वो थोड़ा सा नया देखने को मिला है। और साथ में इमोजेस में भी आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर जो चेंजेस वो किया गया है, जैसे कि इमोजेस के जो साइज़ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। उसके बाद फ्रिक्वेंट जो भी आप इमोजेस यूज़ करते हो उसके रिगार्डिंग सेपरेट जो सेक्शन है उसको भी डाला गया है। मैंने ऑलरेडी एक नए फीचर्स जो है iOS 18 का बीटा 3 में क्या क्या आया है इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ, तो यू कैन चेक दैट वीडियो। एंड टॉकिंग अबाउट द हीटिंग इशू इन माई i15 प्लस, तो हीटिंग जो है वो भी मैं थोड़ा
कम फील कर पा रहा हूँ जब से यहाँ पर बीटा 3 को इंस्टॉल किया हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेट्स ऑफ बीटा 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक बीटा 1, तो लुक गाइस टुडे इज 11th ऑफ जुलाई एंड आई बिलीव कि जो अपकमिंग मंडे दैट इज 15th ऑफ जुलाई उसमें बीटा 4 जो है डेवलपर बीटा जो 4 होगा का उसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। और अगर डू नॉट कि इसी 15th जुलाई के अंदर आपका यहाँ पर जो पब्लिक बीटा 1 का अपडेट होगा iOS 18 का उसका भी जो अपडेट है वो आपको आईफोन में देखने को मिल सकता है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द रिव्यू रिगार्डिंग द iOS 18 बीटा 3 इन माय iPhone 15 प्लस। होपफुली इस वीडियो को आपको पसंद आए। सो गाइस कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग द iOS 18 या फिर रिगार्डिंग द iPhone 15 प्लस तो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मैं मिलते हैं सॉल्विंग, तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।